हम किसी सरकार के लिए नहीं आए, हम आए हैं यहाँ भगवान जगन्नाथ जी के लिए आए हैं। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल किसी और की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट और हमारे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। मेरा परिचय, मैं ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश हूँ। मेरा परिचय मेरा समाज है, मेरा परिचय मेरा परिवार है। मेरा परिचय न तो उत्तर प्रदेश है, न उड़ीसा है, न राजस्थान है, न महाराष्ट्र है। मेरा परिचय पूरा हिंदुस्तान का जो राजपूत परिवार है, उस परिवार का मैं एक व्यक्ति, एक अच्छा, सबका सम्मानित, सबका लाडला, एक परिवार का सदस्य हूँ। मैंने ये सोच के इसको नहीं एकत्रित किया कि हम लोगों का कोई राजनीतिक एजेंडा है। हाँ, हमारा एजेंडा है, हमारे पूरे देश का परिवार एक साथ है। हमारा देश का परिवार नौकरी के लिए अपना जो प्रयास रत्न है, जो अपना समय बर्बाद कर रहा है, उससे हटे, हम लोग रोजगार करें, व्यवसाय करें, क्योंकि हम पहले भी राजा थे। जब रोजगार करेंगे हम पुनः राजा होंगे। क्योंकि देखिए, राजपूत एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके घर में मेहमान बिना बताए आता है, चंदा मांगने वाला बिना बताए आता है, सहायता लेने वाला बिना बताए आता है। उसके मन में एक विश्वास होता है, ये ठाकुर साहब का घर है, यहाँ चलेंगे तो हमको मदद मिलेगी। तो हम लोग आंतरिक रूप से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमारे घर कोई आए, हमारे परिवार में कोई आए, हमसे कोई उम्मीद लगाए, हम उसको निराश न करें, आर्थिक रूप से निराश न करें, न्यायिक रूप से। राजपूत जितना न्यायिक कोई दूसरी कौम नहीं रही है। हमने न्याय स्थापित करने के लिए, हमारे राजा हरिश्चंद अपनी ही पत्नी से उसके अपने बेटे के कफन को ले लिया, हमारे ही परिवार से जो है मोरध्वज जी ने अपने को सत्य साबित करने के लिए अपने बेटे को पति पत्नी ने चीर के खिला दिया। तो हमारी सत्यता, हमारी राष्ट्रनिष्ठा, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समय काल बदला है, गणतंत्र व्यवस्था बनी है, इसमें आर्थिक रूप से कुछ हम लोगों की जो ज़मीनें हैं, जो और चीज़ें हैं, वो डिवाइडेशन के वजह से थोड़ी हम लोग आर्थिक रूप से कमजोरी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक चेतना जगाने का काम किया, एक निश्चय किया है, हम सब लोग फिर से एक मजबूत कम्युनिटी बन के देश की सेवा करना चाहते हैं, पूरे देश के राष्ट्रजन की सेवा करना चाहते हैं। हमारा यही इतना उद्देश्य है। इसमें आप लोग कहीं कोई दूसरी चीज़ मत खोजे। 2 साल ये महाराष्ट्र में हुआ, उस समय कोई और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल किसी और की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट और हमारे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। ना तो हमको गवर्नमेंट कोई डोनेशन देती है, ना तो गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए हम किसी को कर रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी के एक साथ लाना है, हमारी कम्युनिटी के एक डेवलपमेंट है, बस। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती, देखिए ये आप रीजनल सोच आपकी हो सकती, हम राष्ट्रीय सोच में हैं। हम किसी सरकार के लिए नहीं आए, हम आए हैं यहाँ भगवान जगन्नाथ जी के लिए आए हैं, क्योंकि हम अयोध्या के वासी हैं, हम वहाँ उनको पूछते हैं, हम श्रीनाथ जी के वासी हैं, हम विट्ठल के वासी हैं। तो ये आपकी सोच हो सकती है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था है कि कुछ शुरू करने से पहले आप बद्रीनाथ जी का दर्शन करिए, आप केदारनाथ जी का दर्शन करिए, आप प्रभु श्री राम का दर्शन करिए, प्रभु कृष्ण का दर्शन करिए। ये तो राजनीति है, आज वहाँ कोई बैठा है, कल कोई और बैठा रहेगा, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आपसे भी मेरा निवेदन है, ये रीजनल मानसिकता छोड़िए, और आप भी कभी मुंबई आइए, कभी जयपुर जाइए, कभी दिल्ली जाइए, तो शायद आप ये पूछना छोड़ देंगे। राष्ट्रीयता को ही प्राथमिकता दीजिए। रीजनल से क्या, आज सरकार गई है, कल सरकार पुनः आएगी, नहीं तो किसी तीसरे की आएगी, किसी चौथे की आएगी, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है।